नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओके क्रेडिट। दोस्तों मैं जानती हूं कि आज कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने सपनों को पंख नहीं देना चाहती, जो ये नहीं चाहती कि वो अपने परिवार की मदद करे, चाहे वो मदद शारीरिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो। और मैं ये भी जानती हूं कि हमारे इस समाज में अब इतना सब कुछ बदल गया है कि अब जिस समाज को मेल डोमिनेटिंग समाज कहा जाता था, यानी कि पुरुषवादी समाज कहा जाता था, वहाँ पर पुरुष भी अब चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं जो हैं वो कामकाज कर उनका हाथ बटाएं। और मैं सभी महिलाओं की तरफ से उन पुरुषों को भी शुक्रिया करूंगी कि आप अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने में आप उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें, अपना छोटा मोटा एक बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन उस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपका सपोर्ट उनके साथ होगा। तो आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वो है महिला समृद्धि योजना। अब हालात जो होते हैं ना, हालात बहुत कुछ चीज़ें बदल कर रख देते हैं। हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं कि आपका सपना पूरा होने पर होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको हालातों के सामने झुकना पड़ता है। और सबसे बिजनेस की बात करूं तो बिज़नेस में जो सबसे बड़ा हालात मायने रखता है वो है फाइनेंस, यानी कि पैसा। और पैसे की बदौलत ही आप बिज़नेस को चमका सकते हैं और पैसे की बदौलत ही आपका बिज़नेस ठप हो सकता है और आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो महिला समृद्धि योजना तमाम उन महिलाओं के लिए है जो पिछड़े वर्ग की हैं, जो जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं और पैसों की कमी के कारण वो अपने बिजनेस को एक स्टार्ट नहीं दे पा रही हैं। ये एक तरह की कहा जाए तो माइक्रो फाइनेंस योजना है, जिसके तहत आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक महिला को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए आपको इस योजना के बारे में डिटेल में बताते हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत लोन महिला इनडायरेक्ट भी ले सकती हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ले सकती हैं। स्वयं सहायता समूह यानी SHG, इसके बारे में नहीं पता तो हम बता देते हैं। गरीब लोगों के आर्थिक रूप से समान जाति और संबंधित समूह ने अपनी इच्छा से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, ताकि वो अपने सदस्यों के कॉमन फंड्स की बचत कर सकें। और इस समूह में चैनल पार्टनर्स की एक बड़ी भूमिका होती है। चैनल पार्टनर्स जो कि अपने क्षेत्र के अधिकारियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो स्वयं सहायता समूह बनाने में टारगेट किए गए पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस योजना के तहत फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। अब बात आती है कि इस योजना के तहत आखिर लोन कितना मिलेगा और लोन कितना मिलेगा और साथ ही साथ इसके लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, तो चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। इस योजना के तहत मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का लोन ले सकती हैं महिलाएं। और इस योजना के तहत एप्लीकेंट्स को आवेदकों को दिए जाने वाला लोन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज, क्षेत्र ग्रामीण बैंक और राष्ट्रकृत बैंक से लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, आपके द्वारा अप्लाई किया गया लोन 95% मंजूर होगा, बाकी का 5% राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज के द्वारा फंड किया जाएगा। इसके साथ ही जो लोन आपको मिलेगा उस लोन की राशि आपको 4 महीने के अंदर यूज में लानी होगी। खास बात यह है कि लोन चुकाने के लिए आपको 6 महीने की निषेध अवधि के साथ ही 4 साल तक का समय दिया जाता है, जिसमें हर 3 महीने की किश्तों में आप इस राशि को चुका सकते हैं। और ये जो टाइम है लोन चुकाने का वो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आपके बैंक खाते में लोन के रुपए आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत लोन भी ले लिया, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है ये भी पता चल गया, लेकिन इस लोन को जब चुकाना है तो ब्याज की दरें क्या होंगी, तो चलिए उस पर निगाह डालते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम यानी NBCFDC से जो लोन मिलता है उस पर ब्याज दर 1% है, जबकि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से जो लोन राशि मिलेगी उस पर प्रभावित ब्याज दर 4% है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना के तहत कौन सी महिलाएं आवेदन दे सकती हैं। इस योजना में ऐसी महिलाएं जो कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित पिछड़ी जातियों से संबंध रखती हैं और गरीबी रेखा के 2 गुना नीचे रहती हैं, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
साथ ही वो महिलाएं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से भी कम है उन्हें भी इस योजना में आवेदन करने की अनुमति है। लेकिन अगर किसी भी सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए या उससे भी कम है ऐसे में उन्हें बैंक या राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा 50% की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा लोन के आवेदन के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, अगर किसी महिला पर किसी तरह का आधिकारिक मामला चल रहा है तो वो महिला इसका लाभ नहीं उठा सकती। अब लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड किए जाएंगे देखिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान स्वरूप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और निवास के प्रमाण के लिए राशन कार्ड आदि की फोटोकॉपी फॉर्म में लगानी होगी। स्वयं सहायता समूह में शामिल होने का प्रमाण, अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण देने के लिए मेंबरशिप का आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। साथ ही आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट आकार की फोटो भी आपको देनी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज यानी SCA के ऑफिस जाना होगा। वहां से आपको महिला समृद्धि योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में आपसे अपने उद्यम और आपकी स्वयं की कुछ जानकारी पूछी जाएगी। वो सभी जानकारी आप उसमें भरें। इसके अलावा आप उसमें से प्रशिक्षण आवश्यकताओं और रोजगार का चयन कर उसके बारे में लिखें। ये सब हो जाने के बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपको हमारी वीडियो में बताए गए हैं उनकी फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करें और उस फॉर्म को उसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में जमा कराएं। यहाँ पर आपका काम खत्म होता है। अब इसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी है वो आपके फॉर्म्स और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और उसके बाद राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो इसको अप्रूव करेंगे और इसके बाद बस आपको लोन मिल गया और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो मेरा वही सवाल है कि आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज़, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।